नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे रतुल पुरी, घर का खाना खा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में प्राथमिकता के तौर पर भरे जाएंगे 19,000 खाली पद। ओडिशा में 10 दिनों में ड्रग ड्राइविंग के 426 मामले सामने आए। केरल फ्लाईओवर के पुनर्निर्माण का कार्यभार संभालेंगे मेट्रोमैन। रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में हुई नाव दुर्घटना स्थल का किया हवाई सर्वेक्षण। कैंसर के उपचार के लिए केरल और आरसीसी का मालदीव से करार। फारूक अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस। महाराष्ट्र में किसान नेता ने मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में भाजपा छोड़ी। राजस्थान के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सेना की 8 टीमें तैनात। गुलाम नबी को कश्मीर जाने की अनुमति मिली। कोलकाता के पूर्व आयुक्त को पूछताछ के लिए फिर से समन। फारूक अब्दुल्ला पीएसए के तहत हिरासत में। राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी नलिनी वापस जेल पहुंची। शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स 262 अंक नीचे। टीएनसीए फिक्सिंग आरोप में टीएनपीएल समिति की रिपोर्ट का इंतजार।